हेलो एवरीवन वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास एलेवेंथ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी और चैप्टर थ्री चल रहा है हमारा एनवायरमेंट एंड सोसाइटी हियर वी आर लुकिंग एट द वाटर पोल्यूशन तो वाटर पोल्यूशन भी एक बहुत ही सीरियस इशू बन के सामने आया है जो कि वेल वाटर ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर मतलब एक तरीके से सब वाटर को क्या कर रहा है ये इफेक्ट कर रहा है अब मेजर सोर्सेस क्या क्या इंक्लूड करेंगे सिर्फ डोमेस्टिक सीवेज ही नहीं उसके अलावा आप ये देखिए घरों में से तो जो सामान कूड़ा कचरा जाता ही है उसके अलावा जो फैक्ट्री से सामान आता है या फैक्ट्री से जो कूड़ा कचरा जाता है उससे बहुत ही ज्यादा जो वाटर का एक प्योरिटी है वो नष्ट होती नजर आती है उसके अलावा फैक्ट्री फ्रेंड्स बट ऑल्सो फ्राम द रन ऑफ फ्रॉम द फार्म्स फार्म लार्ज अमाउंट ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज देखिए ये ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी रहती है हमें लगता है कि जी घर का कूड़ा कचरा गया इंडस्ट्रीज का सामान गया लेकिन जो खेती का पानी है जैसे मान लो खेतों के आसपास तालाब होते हैं एंड बॉन्स डायरेक्टली लिंक होते रिवर्स वगैरह से अब खेतों में हम मोस्टली अब क्या यूज़ करते हैं हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं ठीक है हम वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं और उसको यूज़ करने में क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो केमिकल्स हैं जब पानी के साथ वो बह के वापस पानी तालाब में जाएगा या सरफेस के अंदर भी जाएगा तो उससे पूरा का पूरा वाटर क्या हो जाता है पोल्यूट हो जाता है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एमर्जिंग प्रॉब्लम्स सो सिटीज़ ऑल्सो सफर फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन शोर का पॉल्यूशन नॉइज पॉल्यूशन इज वेरी अंडर एक्चुअली ये ऐसा पॉल्यूशन है जो कई तरह की, की बीमारियाँ ला सकता है एंड जो ये जैसे हम वेस्टर्न बीमारियाँ कहते हैं जैसे कि डिप्रेशन वग़ैरह एक्सटर्नल नॉइज़ पोल्यूशन से वो भी सब चीज़ें होती हैं जस्ट लाइक बाहर शोर अंदर खामोशी वो पूरा सनारी बन जाता है सो इट इज़ लाइक कि लाउड स्पीकर हो गए ऐसे कल्चरल इवेंट्स रिलीजियस इवेंट्स में भी कई बार बहुत तेज तेज म्यूजिक बजता है पब्लिक हॉर्न पॉलिटिकल कैंपेंस ट्रैफिक कंस्ट्रक्शन वर्क उसके दिमाग में आवाज़ एकदम ऐसा टक 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 लगती है और आपको लगता है कि बस ठीक है यार कुछ हो जाए बस ये आवाज़ शांत हो जाए सो दिस इज वॉट एंड दिस इज ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम बेसिक शब्दों में देखें कि ईयर बाय ईयर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग जस्ट लाइक एक ग्लोब है जो वार्म होता जा रहा है अब देखिए अगर मैं बोलूँ कि एवरेज टेम्परेचर एक डिग्री दो डिग्री बढ़ रहा है या चलो तीन डिग्री तीन डिग्री तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यू आर लाइक अरे तीन डिग्री तो तीन डिग्री में क्या हो जाएगा ठीक है आपको नहीं होगा आपका पचास से तिरपन पहुँच गया फिफ्टी थ्री पहुँच गया टेम्परेचर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं अब आइलैंड नेशंस किस पे हैं समुद्र के बीचों बीच होता है आइलैंड वाटर सरफेस के किसी के भी अब क्या है कि वाटर का सरफेस ऐसी चीज़ है कि अगर हल्का सा भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वाटर सरफेस राइज होने लगता है और अगर एक डिग्री दो डिग्री इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुआ तो वो वाटर सरफेस पूरे के पूरे आइलैंड को समर्ज कर लेगा तो जो बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं उनको बहुत खतरा हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे तो 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 द रिलीज ऑफ पर्टिकुलर गैसेस कुछ गैसेस हैं गैसेस के नाम याद रखने हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन और कुछ अदर गैसेज होती हैं दे क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट वो क्या करेंगी कि जो सन की हीट होती है उसको ट्रैप कर लेती हैं और उसे बाहर नहीं जाने देती क्योंकि सन क्या है सन से बहुत हीट आती है अब सन की हीट वापस भी चली जाती है लेकिन ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनका लेवल इंक्रीज होते ही वो सन का पूरा का पूरा जो हीट एनर्जी था वो वापस नहीं जा पाता वो कही कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है सो so, जिसकी वजह से दिस इज कॉस्ड अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर छोटा है एक डिग्री दो डिग्री है लेकिन अभी मैंने आपको बताया वो एक डिग्री दिग, दो डिग्री भी कितना ज्यादा हो सकता है। so so thus, areas, जी, हाँ वही छोटे आय नेशन हो गए या कोस्टल एरियाज जो कि समुद्र के बिल्कुल बराबर में कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्र के बराबर वाला जो भी एरिया होता है कंट्री का जैसे इंडिया की भी बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कितने किलोमीटर की इंडिया की कोस्टल लाइन है एंड कोस्टल एरियाज और उसके अलावा दिस अफेक्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस सो ग्लोबल वार्मिंग इज लाइकली टू रिजल्ट इन ग्रेटर फ्लक्चुएशन एंड अनसर्टेनिटी इन क्लाइमेट अक्रॉस दर्ल्ड की जी अब आप देखो जो पहले मौसम होता था बहुत ज्यादा गर्मियाँ पड़ती थी तो लेकिन आप क्या होता था कि आप नॉर्मल वो डेज काट लेते थे तो आजकल तो इतनी गर्मी पड़ने लगी है सर्दियाँ पड़ती है तो बहुत ज्यादा नहीं पड़ती लाइक ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो गया है सर्दियों के महीने ही कितने रह गए हैं इट्स ऑलरेडी नवंबर एंड नॉर्थ में आप बहुत ज्यादा ठंड अभी भी फील नहीं कर रहे हो बहुत ज्यादा ठंड के अभी भी फैन कई जगह ऑन है सो so, बचे कितने फिर दिसंबर एंड जनवरी सब बाकी सारे महीने में तो वॉर्मनेस ही रहेगी थी सो so, इससे क्या हो रहा है कि एक लेटर फ्लक्चुएशन और अनसर्टेनिटी हो रही है कि भैया किसका क्लाइमेट कब क्या रहने वाला है नो बड़ी डोज सो चाइना एंड इंडिया आर इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वर्ल्ड कार्बन एंड ग्रीन हाउस गैसेज भई चाइना और इंडिया बहुत आगे हैं क्योंकि हमारी कंट्रीज से ही बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में कार्बन एंड ग्रीन हाउस गैसेस जा रही हैं नेक्स्ट टॉपिक इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि वो ऑर्गेनिज़म जो नेचुरल तरीकों से नहीं आए थे हमने कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल करके अपने आप जींस में चेंज करके जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया चीज़ों को आप देखिए तो बात सिर्फ कॉटन वगैरह की हो रही है बट अभी कुछ समय पहले न्यूज में आया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चे भी पैदा हो सकते हैं चाइना में हुआ भी है इट्स लाइक like कि आपका जब बेबी ऑलरेडी यूट्रस में है तब आप उसके जीन्स चेंज करा के आप अपने हिसाब से अपना बेबी डिजाइन कर सकते हो डिजाइनर बेबी कंसेप्ट नाम दिया गया था उसको कि जी मेरे अगर लड़की होने वाली है तो उसकी आइज ऐसी होनी चाहिए उसके लिप्स ऐसे होने चाहिए बट इस चीज़ पे वर्ल्ड की गवर्नमेंट ने वर्ल्ड के सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने रोक लगा दी है इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं सबसे पहले तो जो नेचुरल चीज़ें आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे जीन्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे हो सकता है सही होने के बजाय चीज़ें गड़बड़ ही हो जाए और बच्चे की डेथ तक भी हो सकती है इन सारी चीज़ों से Although जो डॉक्टर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि ये चीज मोस्ट परफेक्ट वे है और फ्यूचर में इसकी काफी डिमांड होगी खैर ये तो फ्यूचर की बातें हैं हमें फ्यूचर ही बताएगा सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सो न्यू टेक्निक है जीन प्लाइसिंग जीन प्लाइसिंग यानी कि हम सब जीन्स से बने होते हैं वो पहनने वाली जींस जी ई एन ई एस जीन्स तो इसमें क्या है लाइक like, सबका अलग अलग डीएनए है और उसी डीएनए के अंदर सब चीजें सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको एक तरीके से आप क्रोमोसोम्स बोलते हो तो उस क्रोमोसोम्स में आप कैसे दिखोगे किस तरीके से आपका अपियरेंस रहेगा आपके बाल कैसे होंगे आई का कलर कैसा होगा ये सब वो चीज डिफाइन uh, करती है अब इन्होंने क्या करा कुछ चीजों में जीन्स से थोड़ा बहुत छेड़छाड़ किया और एक नई स्पीशीज आ गई जैसे जीन्स फ्रॉम थिंग जेनेसिस हैव बीन इंट्रोड्यूस एन टू कॉटन स्पीशीज मेकिंग इट रेजिस्टेंस टू बॉलवॉर्म माउम मेजर पेस्ट तो जी कॉटन स्पीशीज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उसमें पेस्ट बहुत ज़्यादा लग जाते हैं कीड़े लग जाते हैं तो उसके लिए उन्होंने कुछ और ऑर्गेनिज्म का कोई और जीन यूज करा जिससे अब उसमें कीड़े नहीं लगते थे सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन में ऑल्सो भी डन टू शॉर्टन ग्रोइंग टाइम इंक्रीज साइज एंड शेल्फ लाइफ ऑफ क्रॉप्स तो इससे क्रॉप की लाइफ बढ़ाई जा सकती है चीजों को थोड़ा और बेटर किया जा सकता है हाउ एवर लिटिल इज नोन अबाउट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट भाई ये तो वो था जो आपको एकदम से दिखा कि हाँ ठीक है अब इस पे पेस्ट नहीं लगेंगे ये बढ़िया काम करेगा बट नो बडी नोज द रियल इफेक्ट रियल इफेक्ट आपको कब दिखाई देगा जब उस चीज का प्रोसेस क्या होगा आपके समक्ष आएगा एक तरीके से जब काफी समय बीतेगा तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि जी इससे सच में फायदा हुआ है या बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है मतलब सिंपल यही कि uh, मोहल्ला बचाते बचाते शहर जला बैठे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए सो एग्रीकल्चर कंपनीज हैव आल्सो यूज जेनेटिक मॉडिफिकेशन टू क्रिएट स्टेराइल सीड्स अब एग्रीकल्चर कंपनीज भी क्यों पीछे रहेंगी उन्होंने ऐसे सीड्स बनाए जिसकी वजह से uh, जिससे अच्छे प्लान उग सकते हैं एंड प्रिवेंटिंग फार्मर फ्रॉम री यूजिंग एंड गारंटिंग दैट सीड्स रिमेन देअ प्रॉफिटिंग प्रॉपर्टी फोर्सिंग फार्मर टू डिट ऑन देम पहले क्या होता था कि एक सीड को आपने लगाया और उसी सीड्स को कुछ करके आप दोबारा रीयूज भी कर सकते थे तो उससे क्या है कि फार्मर को बार बार सीड नहीं खरीदना पड़ता था लेकिन अब एग्रीकल्चर कंपनीज ऐसे सीड्स बनाती है जो आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो क्योंकि एग्रीकल्चर कंपनीज का सिंपली कहना है कि ये तो हमारा प्रॉफिट मेकिंग का काम है हम तो ऐसा काम करेंगे जिससे हमें हर साल फ़ायदा हो हम वन टाइम काम क्यों करें सो so, ये था एग्रीकल्चर के बारे में नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंट डिजास्टर्स इसको हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में थैंक यू सो मच